वेलकम टू एसएससी मंडी जी। आरआरबी एनटीपीसी 2019 वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कुछ ही दिनों पहले हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आरआरबी में लाखों पद खाली हैं और बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि एनटीपीसी और टीसी में वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ गलत सिद्ध होता हुआ साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जो रेलवे में 2.30 लाख पद जो खाली हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली और पहले चरण में 1,31,000 के आसपास जो पद भरे जाएंगे और इसका जो आवेदन है वो जो नेक्स्ट मंथ फरवरी और मार्च में ही आने वाला था, नेक्स्ट महीने आने वाला था, लेकिन और इसी का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया था व्हेन द नोटिफिकेशन फॉर एनटीपीसी 2019 विल बी रिलीज्ड। इसका जो रिप्लाई आया है वो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, मतलब जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद आरटीआई रिप्लाई के थ्रू की गई है वो जुलाई अगस्त बताई गई है। और आरटीआई रिप्लाई कभी भी गलत नहीं होता क्योंकि ये रिटर्न होता है और ऑफिशियल होता है। और जो नेता लोग जो कहते हैं वो गलत चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो रिटर्न में नहीं होती हैं। तो हो सकता है कि ये जो इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन रिलीज होगा बहुत ही, अब आप समझ सकते हैं कि अब ये इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन हो सकता है रिलीज हो और नहीं भी हो, और हो सकता है कि वैकेंसी जितनी दावा की गई है वो उतनी ना आए। तो अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है और गवर्नमेंट जॉब को अगर हम कंपेयर करें इनके लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के प्रति इनकी जो असंवेदनशीलता का रवैया बहुत पहले से अपनाया गया है। तो हम कह नहीं सकते कि इलेक्शन के बाद के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। हो सकता है युवाओं का वोट लेने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई हो, और हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जितना ही मात्रा में वैकेंसीज का दावा किया गया उतनी भारी मात्रा में वैकेंसीज ना आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।